हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे यूनिट फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मेरे पास 3/4, तो इसमें क्या क्या होता है एक फ्रैक्शन के अंदर? जो ऊपर का पार्ट होता है 3, ये क्या है हमारे पास, जो ऊपर का नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर। और जो 3/4 जो नीचे पार्ट लिखा होता है, नंबर होता है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये एक फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका होता है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो अब हम डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी वैल्यू सेम हो फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेम पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स जिनकी वैल्यू सेम हो आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, इनकी सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। 1/2 इसको भी जैसे अगर हम डिवाइड इन टू से करेंगे तो न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर को, तो क्या बनेगा 1/2। इसको भी करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। सो इसकी वैल्यू अगर जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ये आ गया। डिवाइड किया इनको, अगर हमने 2 से किया 1 लेके आने के लिए तो दोनों को, तो सेम आ रहा है। तो वैल्यू सेम आ रही है हर फ्रैक्शन नंबर्स की, तो ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सब क्या है, इक्वल फ्रैक्शंस है हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हूज न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर कौन सा पार्ट होता है फ्रैक्शन का, ऊपर वाला पार्ट, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका न्यूमिरेटर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, लेस देन कभी नहीं होगा, उससे स्मॉल कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 10/7 एंड 19/11, ऐसे जैसे हमने देखा जो न्यूमिरेटर है इससे क्या है, बिग है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, और इक्वल भी हो सकता है लाइक 8/8। जो हमारे पास न्यूमिरेटर है डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर के, तो वो हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर। अगर स्मॉल हो गया न्यूमिरेटर तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर नहीं होगा, वो क्या होगा हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस।
प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज, फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स आर स्मॉलर, इसमें क्या था ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसमें क्या है आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 4/7, 3/8, 5/11, इसमें क्या है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉल है, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम नेक्स्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं इसमें लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे पास दो तीन फ्रैक्शंस होंगे, जो भी एग्जाम्पल लेंगे उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. लाइक 3/7, 4/7, 1/7, इनका क्या है सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक के ऑपोजिट्स होते हैं. लाइक में क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम थे, और इसमें क्या होगा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. Are called unlike fractions. For example, 1/2, 3/5, 7/13. इनमें क्या सबकी denominators different हैं, ये क्या बन गई हमारे पास unlike fractions. Like में सब में क्या denominator same होता है, और unlike में सब में denominators different होता है. अब हम next करेंगे unit fractions. यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं. यूनिट क्या होता है, एज नंबर इसके नेम से ही पता चल रहा है यूनिट होता है वन. फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर इक्वल टू वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर क्या है वन होगा, जैसे 1/2, 1/11, 1/16, ये क्या है हमारे पास इनमें क्या है न्यूमिरेटर वन है, ये हो गए हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जो कि कॉम्बिनेशंस होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल का. इनको क्या लिखेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको ही हम लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन वन होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन वन होती है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रिटर्न एज ओ
कॉम्बिनेशन ऑफ अ हॉल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे हमने किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, हमारे पास न्यूमिरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, और प्रॉपर में क्या था, न्यूमिरेटर हमेशा स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है. तो इम्प्रॉपर में हमेशा ग्रेटर देन वन हो गई फ्रैक्शन और प्रॉपर में लेस देन वन. तो इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. वैसे हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का. फॉर एग्जाम्पल थ्री होल हो गया है हमारे पास, वन बाय टेन क्या है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें क्या है, न्यूमिरेटर है स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ऐसे एट वन बाय फाइव ये हमने लिखा. अब हम इसको ऐसे इम्प्रॉपर की हेल्प से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया टेन बाय सेवन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रही हूं मैं. कैसे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को 7 से, 7 बन जा 7, तो यहां पर हमारा 7 आ गया. रिमेनिंग क्या रह गया, रिमाइंडर 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रह गया. तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर. फिर हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है इसको लिखेंगे न्यूमिरेटर, और जो ये कोशेंट आया है डिवाइड होकर ये होता है हमारे पास होल. ये हमारे पास बन गया मिक्स फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ये हमारे पास होल एंड ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए, स्मॉलर देन होना चाहिए, तो वो है. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. एंड मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.